लेक्चर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में आपको बताया था, आज भी हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है बिट टूल। क्या नाम है? बिट टूल। तो बिट टूल किसे कहते हैं? देखिए, बिट टूल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये बिट टूल जो होता है वो पतला होता है। कैसा होता है? पतला बिट टूल होता है। तो देखिए, बिट टूल जो होता है वो हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है और उसमें थोड़ा सा कोबाल्ट मिला देता है, तो ये टूल अत्यधिक मजबूत हो जाता है। जो भी कटिंग प्रोसेस होगी वो टिप से होगी। यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? इसका स्क्वायर होता है। हमारे बिट टूल की स्क्वायर लेंथ को रखा जाता है 5 से 10 mm। बिट टूल की लंबाई 75 mm से 150 mm तक हो सकती है और 75 mm से 150 mm के बीच में कुछ भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिट टूल को टूल होल्डर में पकड़ेंगे और टूल होल्डर को हम कहा पकड़ते हैं? टूल पोस्ट को पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिट टूल का फिगर हमने बना रखा है। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये हमारा क्या है? टूल होल्डर है। क्या है? टूल होल्डर। होल्डर में यहाँ पर 5 से 10 mm तक का होल होता है। कितने का? 5 से 10 mm तक का होल बनाया जाता है और उस होल की लंबाई कितनी रखी जाती है? 75 से 150 mm। यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू को जब हम टाइट करेंगे तो हमारा टूल क्या होगा? टाइट हो जाएगा, हमारे टूल होल्डर में फिट हो जाएगा। और जब हम इसको नट को या स्क्रू को लूज करेंगे तो हम इसको आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। एक टूल ऐसा होता है जिसमें एक सैंक होती है और सैंक के ऊपर कुछ विशेष प्रकार का मटेरियल ब्रेजिंग करके लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टिप टूल के बारे में। हमने टिप टूल यहाँ पर बना रखा है और टिप टूल में क्या होता है? एक सैंक बनी हुई होती है। आगे वाले हिस्से पर हम क्या करते हैं? टंगस्टन या कोबाल्ट को हम ब्रेजिंग कर लेते हैं। टिप सैंक, इसकी जो टिप सैंक होती है उसको कैसे रखा जाता है? देखिए, टिप सैंक को तीन तरह से रख सकता है। पहला, स्क्वायर भी रख सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी रख सकता है, ट्रायंगुलर भी रख सकता है। वो उसकी शेप को किसी एंगल में रख सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सैंक दिख रही है जिसमें मैं हाथ रखी हुआ हूँ, और सैंक के ऊपर यहाँ पर उसने टिप लगा रखी है टंगस्टन की या कोबाल्ट की। टंगस्टन या कोबाल्ट की उसने हाँ ऊपर से ब्रेकिंग किया हुआ है और यहाँ पर देखिए टिप बना रखा है बीचों बीच में। ये क्या बना रखा है? टिप पॉइंट भी कह सकते हैं। टिप पॉइंट यहाँ पर बना रखा है इसमें। ठीक है, इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं? टर्निंग भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेटल चाहे जिस चीज का भी हो, हम उस टूल को कटिंग करके विभिन्न प्रकार के एंगल में उसको शेप दे करके, हम एक ही टूल को विभिन्न प्रकार की शेप दे करके टर्निंग भी कर सकते हैं, फेसिंग भी कर सकते हैं या फिनिशिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रोसेस हम कर सकते हैं या स्ट्रेट कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये हमारा जो बिट टूल है, बिट टूल को लगाने वाला होल्डर तीन शेप में हो सकता है। एक शेप तो लेफ्ट हैंड साइड कटिंग करने के लिए, ठीक है, बेंट हुआ आगे से, आगे से वो बेंट होगा। एक राइट हैंड हो सकता है, एक राइट हैंड हो सकता है जो राइट हैंड टर्निंग करने के लिए, और हमको पता है जब टेल स्ट्रोक से लेफ्ट हैंड की तरफ कटिंग की जाती है तो लेफ्ट हैंड की जो कटिंग होती है वो हैंड स्ट्रोक की तरफ होती है। ठीक है, और जब हैंड स्ट्रोक से टेल स्ट्रोक की तरफ कटिंग करते हैं तो वो राइट हैंड होती है और वो टेल स्ट्रोक की दिशा होती है या टेल स्ट्रोक की तरफ कटिंग की जाती है। एक टाइप तो हमने स्टार्टिंग बता चुके हैं पहले, तीन टाइप कैसे नहीं हो गए? एक टाइप तो हमने बता दिया आपको, ये एकदम स्ट्रेट होगा, इसमें कोई झुकाव नहीं होगा, एकदम सीधे होगा टूल हमारा, एकदम सीधे होगा। ये एक टाइप हो गया टूल हमारा, राइट हैंड साइड झुका हुआ होगा। दो टाइप हो गया टूल हमारा, लेफ्ट